रीवा जिले के नवनिर्मित नगर परिषद डभौरा से है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आलम यह है कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। नगर परिषद डभौरा की कार्यप्रणाली भी पूरी तरह से डामाडोल है। वहीं कर्मचारी और अधिकारी सब कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। मामला राम सजीवन तिवारी पिता हरगोविंद प्रसाद तिवारी उर्फ ददई तिवारी, जो नगर पंचायत डभौरा वार्ड क्रमांक के निवासी हैं। वहीं ददई प्रसाद, जो सेवा सहकारी समिति डभौरा में उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, वहीं 84 वर्ष में, जिनकी मृत्यु 24 जनवरी 2022 में उनके गृह निवास डभौरा में ही सामान्य स्थिति में हो गई थी। वहीं उनके निधन के बाद उनके पैतृक गाँव भगड़ा जिला चित्रकूट में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार करने के बाद राम सजीवन तिवारी अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर पंचायत डभौरा कार्यालय में आवेदन पत्र की पूरी प्रक्रिया करके बाबू को सौंप दिया। एक माह बाद नोटिस जारी किया गया कि उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि जब हमने इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो कहा गया कि आपका आवेदन पत्र नहीं बनेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ब्राह्मण होने की वजह से जाति सूचक अभद्र भाषा का भी उनके ऊपर प्रयोग किया गया। मुझे ऑफिस से भाग जाने की भी नसीहत दी गई। उन्होंने बताया कि जब हमने उनके पास जाकर इस संबंध में जानकारी चाही तो कहा गया कि आवेदन पत्र नहीं बनेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें ऑफिस से भाग जाने की भी नसीहत दी गई, जिसके बाद वहां से वापस मैं घर आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र प्रकाश तिवारी के द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 पर इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद सीएमओ केएन सिंह ने डभौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने अपने कार्यालय से पत्र थाना डभौरा को जारी कर दिया था। फरियादी राम सजीवन तिवारी ने पत्रकारों से बात करके कहा कि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सीएमओ के दलाल पैसे की डिमांड करते हैं, वहीं फर्जी मुकदमे दर्ज करने की भी धमकी दी जाती है। डभौरा परिषद के रहने वाले समाज सेवी कृपा शंकर गौतम ने बताया कि सीएमओ के पद पर आसीन केएन सिंह का बर्ताव एक जाति विशेष को लेकर बेहद खराब है। नवनिर्मित नगर पंचायत को भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदार, ऐसी तमाम शिकायतों से नगर की जनता हलाकान है। वहीं डभौरा नगर परिषद किस हद तक लूट खसोट और बंदरवाट के वातावरण में है, इसका अंदाजा यहां की कार्यप्रणाली से लगाया जा सकता है। वहीं बात करें पीएम आवास योजना की, तो डभौरा नगर परिषद में इस योजना में जमकर धांधली की गई है। उक्त योजना का लाभ गरीब हितग्राहियों को देने के क्रम में डभौरा नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी उगाही का खेल खेल रहे हैं। ये मामले एक दो में नहीं बल्कि कई हजारों की संख्या में है। एआरआई के पद का व्यक्ति सीएमओ पर आसीन, जिसे दो नगर परिषद का प्रभार भी दिया गया है, पूरी नगर परिषद में घूसखोरी और भ्रष्टाचारी की सीमाओं को लांघ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से गुहार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं न्याय की गुहार करते हुए एक समस्या का निराकरण चाहता हूं और नगर परिषद डभौरा में प्रभारी नहीं बल्कि एक स्थायी सीएमओ की मांग करता हूं। पर मुझे जो पता चला है, आपके पहले भी कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ प्रभारी सीएमओ केएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि यूपी के एमपी के हैं नहीं। जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है डभौरा नगर परिषद के लिए और उस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अभी उनके नाती जो है, उनके जो एक बालक के लड़के हैं, उन्होंने 181 में कार्यवाही की थी, जिसका मुझे मेरी आवश्यकता जहां पड़ेगी मैं तो मैंने उनके पक्ष में बोलूंगा भी, जो सत्य है। गलत कौन बोल रहा है? उनके पास यहाँ वोटर आईडी है, उनका यहाँ आधार कार्ड है, उनका यहाँ घर है, उनकी यहाँ जमीन है। हाँ, यूपी से बहुत से ऐसे लोग 75% डभौरा में निवासरत हैं लोग, पर उनके यहाँ जब कोई घटना घटेगी तो वो प्रमाण पत्र बनवाने क्या बांधा जाएंगे? जहाँ का जब उनका मूल निवास का प्रमाण पत्र उनके पास है तो यहीं से ना होगा सारा काम। जी इस तरह ऐसी ही घटना उनके साथ हुई होगी, इसलिए कि वो जो है तो मूल तो पहले के हैं, वहाँ उनका हन्ना गाँव था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनके पिताजी वगैरह लपाव भगड़ा में कोई जमीन अमीन खरीद ली थी, वहाँ एक जिला टाइप का बना है इनका जी। पर पूरा निवास उनके लड़के और नाती सब डभौरा में दो दो तीन तीन मकान है। उनका रवैया अच्छा नहीं है, एक प्रकार से जैसे सुना जा रहा है जी। तो हम तो नहीं गए, लेकिन जो भी लोग बताते हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है किसी प्रकार में। जातिवाद करते हैं क्या? ऐसे सुनने में आया कि जातिवाद करते हैं। मेरा नाम राम सिंह तिवारी है, मैं डभौरा का निवासी हूं। मेरे पिताजी का जो है
अपने घर डहोरा में उनका स्वर्गवास हो गया 24 जनवरी को। जब मैं उनसे कृत्य से फुर्सत हुआ क्रियाक्रम से तो मैंने आवेदन किया नगर परिषद CMO साहब के यहाँ, इंस्पेक्ट भी किए, पैसा मुझसे ले लिया गया और फिर इसके बाद हमको नोटिस दी गई कि मतलब आपको कैंसिल किया जाता है। तो भाई एक महीने बाद आप हमको नोटिस पकड़ा रहे हो, भाई कारण क्या है, क्यों पहले नहीं पता हमको, पहले आप इंस्पेक्ट किए। मैं गया उनके बाबू अनिल बाबू, उनसे पूछा तो हमने अपने आँख से देखा कि बन चुका है, खाली CMO साहब का दस्तखत बाकी है। और फिर इसके बाद ये नाटक करना शुरू किए उन्होंने। और ब्राह्मण हो लेकिन आते हैं ब्राह्मण के अपशब्द बोलते हैं, वो कोई ब्राह्मण जाता है तो उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, जातिवाद का उनके अंदर पता नहीं भावना क्या है क्या नहीं है। पिताजी का क्या नाम था? श्री ददई तिवारी। और कब से यहाँ रह रहे थे? अरे वो उनका जीवन बीत गया, हम 55-56 साल तो मेरी अवस्था हो गई, 83 साल के थे वो, उनका सारा जीवन यही पढ़े लिखे भी हैं वो। ये सुना जाता है कि वो यहाँ सेवा सहकारी समिति में, हाँ अध्यक्ष भी थे, वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल। प्रशंकर गौतम जी जो है वो अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे उनके टाइम पर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? भाई हमारे बच्चे ने और भाई ने शिकायत की लाइन उसमें 181 में जी। तना तक उसका कोई निराकरण हुआ और ऊपर से ये जाकर के थाना फाना में क्या लिख पढ़ के दिया मेरे को पता भी नहीं है CMO साहब द्वारा। जब पिताजी आपके यहाँ के निवासी रहे, हाँ, तो उनके रिकॉर्ड भी यहाँ रहे? हाँ सब है ना, आपको नाम रहा? हाँ हाँ आधार कार्ड सब आधार है, सब कुछ है सर।